एसएमएस न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं आपके हद रोशनी और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। दौड़ते ट्रक में लगी भीषण आग। नागपुर कलमना रोड चिखली चौक पर एक अचानक दौड़ते ट्रक में आग लग गई है। ट्रक की केबिन में आग लगने से ही ट्रक चालक मुन्ना ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचा ली है। सनसनीखेज घटना शनिवार रात 11:15 हुई है। ट्रक क्रमांक MH40Y1555 आग से चपेट में आकर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। ट्रक मालिक सुरजीत वार्ड ने अनुसार उसका ट्रक 4 महीने पहले दुर्घटना से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बाद से एक गैराज में सुधारने के लिए दिया गया था। ट्रक सुधारने के बाद कल शनिवार की रात 10:00 उनका चालक मुन्ना गाड़ी लेकर बुट्टी बोरी जा रहा था, तब इसी दौरान चिखली चौक पर अचानक ट्रक में आग लग गई। आग लगने की वजह से पता नहीं चल सका कि इस आग में ट्रक पूरी तरह से जल गया है। दमकल के अनुसार ट्रक जलने के बाद करीब 12 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। सूचना मिलते ही एक दमकल गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची है और मामले की जांच कर रही है। मनीष मल्होत्रा ने महज 500 रुपए सैलरी से की थी करियर की शुरुआत। देश के नामी फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। आइए जानते हैं डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के जीवन के बारे में। एक बार एक मीडिया बातचीत के दौरान मनीष मल्होत्रा ने खुद अपने डिजाइनर बनने के सफर को साझा किया था। उन्होंने बताया था कि यह पूरी तरह से पंजाबी माहौल में पले बड़े हैं। वह जो भी करना चाहते थे उसे बचपन से ही उनकी माँ का पूरा सहयोग मिलता था। पढ़ाई के मामले में वह थोड़े कच्चे थे और पढ़ाई में उनका मन थोड़ा कम लगता था। बॉलीवुड के लिए उनके प्यार को जाहिर करते हुए उन्होंने बताया था कि उन्हें फिल्म देखने इतना शौक था कि वह इन नई रिलीज फिल्म को देखने के लिए ज़रूर ही थिएटर में जाते थे। उन्होंने बताया था कि 6ठी क्लास में उन्होंने पेंटिंग क्लास ज्वाइन कर ली थी। कलर और आर्ट के जुड़ी एक क्वाल्स उन्होंने बेहद पसंद थी। फिल्मों में उनका लगाव, पेंटिंग में दिलचस्पी और माँ के कपड़ों को देखना, फैशन के लिए उनके प्यारा सा बढ़ना उसको काफ़ी पसंद था। मनीष ने यह भी बताया था कि जब वो छोटे थे तो उनकी माँ को साड़ियाँ पसंद कराने के लिए उसकी भरपूर मदद लेते थे। फैशन जगत में मनीष का पहला कलेक्शन कॉलेज के समय में बना हुआ था। उन्होंने मॉडलिंग के साथ ही एक बुटीक में काम करना शुरू कर दिया था, जहां उन्होंने डिजाइनिंग की बारीकी सीखी। मनीष ने बताया था कि उन्हें यह काम करने के लिए महीने की 500 रुपये सैलरी मिलती थी। उन्हें अपनी इस सैलरी से कोई शिकायत नहीं थी क्योंकि वह विदेश पढ़ने के लिए जा सकते थे। ऐसे में यह बुटीक उनके लिए सीखने का एक सबसे बड़ा माध्यम था। अपने काम को निखारने के लिए मनीष मल्होत्रा ने अपने कसर नहीं छोड़ी थी। वह घंटों बैठकर लगातार अलग अलग स्केच पर काम करते थे। आखिरकार उनकी एक मेहनत का काम आई और 25 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला बड़ा ब्रेक लिया। उनके जुड़ा चलाव की तरफ से सिर्फ उन्हें बताया गया था कि डिजाइनर काम करना था। हालांकि मनीष ने करियर के लिए टर्निंग पॉइंट फिल्म रंगीला से साबित हुई थी। इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया था। मनीष ने बताया था कि करियर की शुरुआत में जब उन्हें काम मिला था तो उन्होंने प्रोड्यूसर से उनके काफ़ी चिढ़ जाते थे क्योंकि वह कहानी और किरदार को लेकर कुछ ज़्यादा ही सवाल पूछते थे। प्रोड्यूसर बस अपने स्टार्स को स्क्रीन पर शानदार दिखाना चाहते थे। मनीष ने यह साफ किया हुआ था कि यूं ही कपड़े डिजाइनर करने से ज़्यादा करना चाहते हैं। बाद में जानकर उनका यह अंदाज भी उनको पसंद आने लगा और उनका नाम बताने लगा। वर्ष 2005 में मनीष मल्होत्रा ने अपना लेबल लॉन्च किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज मनीष मल्होत्रा ने नेटवर्थ करीब $50 मिलियन है। 35 के बाद भी हैंडसम हंक लगते हैं टीवी एक्ट्रेस। हर्ष चोपड़ा ने अपने 40वें पड़ाव में चल रहे लेकिन वह बेहद हैंडसम और फिट दिखते हैं। अपनी उम्र में काफ़ी कम दिखते हैं। इस समय एक्टर रियलिटी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में नजर आ रहे हैं। इस रियलिटी शो में उन्हें प्रपोजिट एक्ट्रेस प्रणाली राठौर से भी महज 26 साल के हैं। करण वी ग्रोवर 40 साल के हो चुके हैं लेकिन उनकी फिटनेस और लुक्स देखकर उम्र का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। एक बार फिर से वह रियलिटी शो बहुत प्यार करते हैं में अभिनेत्री सराइले के साथ नजर आ रहे हैं। धीरज धूपर टीवी के हैंडसम हंक अभिनेताओं में से एक है। यह अक्सर अपने लुक्स को लेकर चर्चा में बने हुए रहते हैं।
उनकी फीमेल फैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा लंबी है। अभिनेता ने सीरियल कुंडली भाग्य में एक युवा क्रिकेटर का किरदार निभाया था। अभिनेता असल जिंदगी में पिता बन चुके हैं और वह उसकी उम्र 47 साल बताई जा रही है। अभिनेता करण कुंद्रा भी इसी लिस्ट में शुमार है। उसकी उम्र 37 साल की है, लेकिन उन्हें देखकर उसका अंदाज़ा लगाना काफ़ी मुश्किल है। अभिनेता को उनके लुक्स और स्टाइल के लिए भी खूब पॉपुलेशन मिली हुई है। मौजूदा समय में वह तेजस्वी प्रकाश के साथ रिलेशन में हुए हैं। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चलाए दर्शकों, ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।